नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे उड़द में लगने वाला पीला रोग के बारे में कि यह पीला रोग क्यों लगता है, किस कारण से आता। कहीं कहीं पे कुछ लोग इसे पीलिया के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसे कुछ लोग इसे कबरा रोग के नाम से भी जानते हैं। यह रोग यदि हमारी फसल में आता है तो लगभग 80% तक हमारी पैदावार में फ़र्क पड़ जाता है। 80% पैदावार कम होती है हमारी उड़द की फसल में। कहीं कहीं पर तो यह इतना ज़्यादा हो जाता है कि जरा सा भी पैदावार हमारे उड़द की फसल से नहीं मिल पाती है। तो यह रोग हमारी फसलों में क्यों आता है, किस लिए आता है, इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी फसल में कबरा रोग या फिर पीलिया रोग लग चुका है, इसकी रोकथाम के उपाय क्या होते हैं, इसमें हमें कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसका डोज क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी YouTube पर सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उड़द में जो पीलापन आता है उसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनके कारण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसके रोकथाम के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी जो दवाइयाँ होती हैं कि कौन कौन सी दवा को हमें यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम डोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले जो इसका लक्षण होता है येलो मोज़ेक रोग के कारण, यानी कि येलो मोज़ेक वायरस एक आता है उसके कारण यह जो है कबरा रोग हमारी उड़द की फसल में लगने का ज़्यादा चांस रहता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें जो है पत्तियां सिकुड़कर ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और पत्तियां थोड़ा हरी ही रहती हैं, इसमें पीलापन तो ज़्यादा नहीं आता लेकिन पत्तियां जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, किस कारण से येलो मोज़ेक हमारी उड़द की फसल में अधिक मात्रा में आता है, तो इसका मेन कारण होता है सफ़ेद मक्खी व सकिंग पेस्ट, यानी कि जो रस चूसक कीट होते हैं वो इस रोग को ज़्यादातर फैलाने का काम करते हैं। या क्या करते हैं कि एक पौधे को रस चूसते हैं, यानी कि जिस पौधे में संक्रमण होता है इस रोग का, उस पौधे का यदि रस चूसते हैं और दूसरे स्वस्थ पौधे पर जाकर बैठते हैं तो वहां पे इस जो विषाणु होते हैं, यानी कि इस पौधे पे जो वायरस होते हैं वो दूसरे पौधे पे भी पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से उस पौधे में भी रोग लगना स्टार्ट हो जाता है। और इसका दूसरा जो कारण है पीलापन होने का, वो पोटेशियम तत्व की कमी होती है। पोटेशियम तत्व की कमी के कारण भी हमारा पौधा जो है पीला पड़ने लगता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे पौधे में पोटेशियम तत्व की कमी है, तो पोटेशियम तत्व की कमी के कारण पत्तियों के किनारे जो है वो पीले पड़कर झुलसे हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि हमारी फसल में पोटेशियम तत्व की कमी है। इसके अलावा मैग्नीशियम तत्व की भी कमी के कारण भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं कि पत्तियों के बीच की जो सिराएं होती हैं वो हरी रंग की बनी रहती हैं और पत्तियों के अंदर का जो भाग होता है वह पीला पड़ जाता है। इस कारण हम यह समझ सकते हैं कि हमारी पत्तियों में या फिर हमारे पौधे में जो है मैग्नीशियम तत्व की कमी है। इसके अलावा मैग्नीज, मोलिब्डेनम, लोहा आदि तत्वों की कमी के कारण भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी उड़द में पीलापन आ जाता है। तो इन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की इस कमी को पूरा करने तथा इस रोग को ख़त्म करने और इसके अलावा जो भी सकिंग पेस्ट यानी कि वायरस जनित जो रोग हमारे पौधे में लग जाते हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसा कम्बिनेशन आपको बताने वाले हैं जिसमें एक ही कम्बिनेशन से आपके सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको बार बार दवा स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस दवा का हम आपको बताने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में कि जब यह रोग आने लगता है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि यह रोग हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। तो जब आपको यह रोग थोड़ा सा ही दिखाई दे, आपको एक दो पौधे में दिखाई दे, तो आप क्या करें कि पौधे को उखाड़कर आपको बाहर निकाल देना है खेत के, आप बाहर निकालकर उसको जला दीजिए या फिर मिट्टी में आप दबा दीजिए। इस प्रकार से यदि आप पौधे को नष्ट कर देते हैं अपने खेत से तो ये अधिक मात्रा में नहीं फैल पाएगा। उसके बाद आप दवा का या फिर केमिकल का आप स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार से आप उड़द की फसल को आप आसानी से बचा सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको किन किन दवाओं को लेना है, उसको हम आपको आगे वीडियो में हम बता देंगे। तो हम आपको बता दें कि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको एक टॉनिक लेना है, जो हम आपको बताने वाले हैं वह है टी स्टील कंपनी का माइक्रोफूड टॉनिक। इसके अलावा आप किसी भी टॉनिक को ले सकते हैं जिसमें आपको माइक्रो सूक्ष्म तत्व मिल जाएँ। इसके अलावा एक सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए हम कीटनाशक लेंगे, जिसमें आप ले सकते हैं इमीडा क्लोरोपेट 17.5% SL या फिर आप डाइफेंथ्रॉन 50% WP नामक जो कीटनाशक आता है उसका आप यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एक फंगिसाइड जो कार्बंडाजिम 12% और मैंकोजेब 64% का कम्बिनेशन करके एक फंगिसाइड आता है जो मार्केट में आपको साफ के नाम से मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। आप उसको लेकर आपस में इन तीनों दवाओं को कम्बिनेशन में मिला लीजिए और मिलाकर आप अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं अपनी फसल में तो आपकी फसल में जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी और आपकी फसल में जो भी कीट लगे हुए हैं यानी कि रसचूसक कीट हैं उनका भी कंट्रोल हो जाएगा और फंगस का भी कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी फसल स्वस्थ हो जाएगी और आपकी फसल काफ़ी हद तक इस बीमारी से दूर हो सकती है। तो इसके लिए आपको कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सा लेना है कॉम्बिनेशन, ये हम जानकारी आपको अब हम बताने वाले हैं। तो आप बात करें हैं मगर इसके डोज की, तो आपको प्रति 15 लीटर पंप में 50 ml माइक्रोफूड, 10 ml इमीडा क्लोरोफिट या फिर 20 ग्राम आप डाइफेंथ्रॉन, 50 ग्राम आपको कार्बंडाजिम मैंकोजेब लेना है प्रति 15 लीटर पानी की दर से आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। और वहीं हम बात करें अगर हम खर्च की कि यदि आप ये कम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपको कितना खर्च आने वाला है अपनी फसल में, तो इसमें आपको 15 लीटर टंकी जो आपको एक पंप का खर्च आने वाला है लगभग 70 से 80 रुपए के आसपास आ सकता है और वहीं एक एकड़ का खर्च लगभग 600 से 650 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों यही सब था उड़द की फसल में पीलिया रोग या फिर कबरा रोग के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने किसान दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।